Hello dear students, now today we are going to start the next topic fertilization in flowering plant. आज की session में हम लोग angiosperm, flowering plants means angiosperms में fertilization का process किस तरह से complete होता है इसके बारे में discuss करेंगे. This is the structure of the female reproductive system. और ये system की structure we have already discussed about this structure. This is the part of ovary, then style and stigma. अब देखिए ये process कैसे complete होता है. तो सबसे पहले तो fertilization होता क्या है. तो fertilization is a process of fusion of male gamete with female gamete is known as fertilization. अगर हम बात करें angiosperms की तो in angiosperm fertilization takes place inside the ovule. Ovule के अंदर हो रहा है और in embryo sac. Main जो site है, the site of fertilization in angiosperm is the embryo sac. और ये कहाँ present होता है? Ovary में भी, ovule के अंदर और ovule में भी कहाँ पे? Embryo sac में जो ये process complete होता है. अब ये process किस तरह से complete होता है? तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए क्या होता है? After pollination, the pollen grains reaches on the surface of the stigma. अब diagram में देख रहे हैं, ये stigma है. ठीक है, स्टिग्मा की सरफेस पे पोलन ग्रेन्स आ गए हैं. कैसे आए हैं? पॉलिनेशन से. अब पॉलिनेशन कैसा हुआ? सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है. पॉलिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? यहाँ पे इसकी सरफेस पे ट्रैप हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. क्यों चिपकेंगे यहाँ पर आकर के? बिकॉज स्टिग्मा जो है उसकी सरफेस जो होती है वो वेरियस सब्सटेंस जो होती है मटीरियल, स्टिकी मटीरियल सिक्रीट करती है. एक न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो प्रोवाइड करा रही है पोलन ग्रेन्स के लिए. तो पोलन ग्रेन्स जो होके होंगे वो इसी की सरफेस पे आकर के और ट्रैप हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. अब वो किसी के थ्रू भी आ सकते हैं, मीडियम में एयर के थ्रू आ सकते हैं, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू. तो पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंच चुके हैं. जैसे ही ये यहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा की सरफेस जो होती है वो इनको एक न्यूट्रिएंट मीडियम दे रही है. और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है? लिपिड है, रेजिन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, बोरोन है. ये सारे के न्यूट्रिएंट्स जो है जो कि उसकी सरफेस, उसको पोलन ट्यूब जो है उसके जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है. पोलन ग्रेन्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे स्टिग्मा की सरफेस उसको प्रोवाइड करा रही है. तो यहाँ पर आकर ये ट्रैप हो गए. जैसे ही ट्रैप होंगे, अब ये जब ट्रैप हुए हैं तो इनकी कंडीशन कैसी हो सकती है पोलन ग्रेन की? तो ये टू सेल स्ट्रक्चर भी हो सकती है, थ्री सेल स्ट्रक्चर. टू सेल स्ट्रक्चर से मतलब है कि वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स बनती है. देन माइटोसिस के बाद में मेल गैमेट्स जो होती है उनका फॉर्मेशन होता है और ट्यूब का न्यूक्लियस बनता है, ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. तो बहुत सारी फैमिलीज में टू सेल स्टेज में आते हैं और अदर फैमिलीज होती है जिनमें थ्री सेल स्टेज, मतलब कि जनरेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन हो जाता है उसके बाद में आकर ये ट्रैप होते हैं. तो डिपेंड ऑन द फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग होता है. अब यहाँ पर जब ये सरफेस पे चिपकेंगे तो पोलन ट्यूब जो होगी वो जर्मिनेट होंगी. ये पोलन ट्यूब है, डायग्राम में आपको दिख रही है. अब ये पोलन ट्यूब जो होती है मूव इनटू द स्टाइल. अब स्टाइल में मूव करती है एंड ये आगे मूव करती है और कहां पर एंटर हो रही है? ओवरी में. ओवरी में एंटर होने के बाद ये जो है ये पहुंच जाती है यहाँ पर इस रीजन पे, दैट इज द माइक्रोपाइल रीजन. द माइक्रोपाइल रीजन पे ये जैसे ही पोलन ट्यूब पहुंच रही है ये अपने साथ साथ टू मेल गैमेट्स को लेके आ रही है. मेल गैमेट्स का हो सकता है माइटोसिस डिवीजन इस ट्यूब के अंदर ही हो, जनरेटिव सेल यहाँ पर ट्यूब के अंदर ही डिवीजन करके वो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रही है, या हो सकता है ऑलरेडी यहाँ पर डिवीजन हो चुका है, ऑलरेडी ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स है वो यहाँ प्रेजेंट है और वो ट्यूब के थ्रू जो है एंटर कर रहे हैं. डिपेंड ऑन द फैमिलीज. ठीक है, तो मेल गैमेट्स यहाँ पर पहुंचते हैं. अब दो मेल गैमेट्स बनेंगे, वन जनरेटिव सेल प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल. देखिए एग सेल के साथ फ्यूज होगा. देखिए वन मेल गैमेट है नेचुरली हैप्लॉइड है एंड वन फीमेल गैमेट यानी एग सेल. बिकॉज ये एग सेल है, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके साथ फ्यूज होगी. दिस फिनोमेना इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टडीड बाय द स्ट्रॉसबर्गर. स्ट्रॉसबर्गर जो है उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था इन लिलियम प्लांट. किसमें? लिलियम प्लांट में देखा था. अब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा? डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होगा एंड जायगोट जो होगा वो कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो. किसमें डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा.
देन अब एक और मेल गैमेट बचा हुआ है, क्योंकि दो मेल गैमेट बने थे, तो सेकंड मेल गैमेट है एक पोलर न्यूक्लिया के साथ अटैच होगा। किसके साथ? ये पोलर न्यूक्लिया जो है उसके साथ में ये फ्यूज होगा। अब मेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड है, तो पोलर न्यूक्लिया कैसा? डिप्लॉइड है, बिकॉज यहाँ पे टू मेल जो टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पोलर न्यूक्लिया जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, एंड दिस फिनोमेना नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। आफ्टर दिस द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर भी फ्यूजन हुआ है, बट यहाँ पर हम इस फ्यूजन को या तो ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे या फिर इसको फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द फॉल्स फर्टिलाइजेशन, बिकॉज देर इज मेल गैमेट प्रेजेंट बट फीमेल गैमेट इज एब्सेंट। बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो फिनोमेना ही यही है कि मेल गैमेट इज फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट। अब यहाँ पर मेल गैमेट तो है बट फीमेल गैमेट नहीं है, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज द फॉल्स फर्टिलाइजेशन। अब हमने यहाँ पर देखा कि दस यहाँ पे टू फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्स्ट इज अ ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज अ ट्रिपल फ्यूजन और फॉल्स फर्टिलाइजेशन, सो इट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार तो एम्ब्रियो बन रहा है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरी बार ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस फिनोमेना को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। ये एंडोस्पर्म जो होगा इस एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा जब तक कि डेवलप नहीं हुआ। तो एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन ही होता है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इन सब के बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, इनके बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी इज कन्वर्ट इंटू फ्रूट, देन ओव्यूल इज कन्वर्ट इंटू सीड, एंड अदर पार्ट सच एज स्टाइल, स्टिग्मा, सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स आर शेल्ड डाउन, सारे के सारे गिर जाएंगे, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म का, और हम इजीली हायर प्लांट में दे सकते हैं जब फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। देन फ्लावर इज कन्वर्ट इन टू फ्रूट, इट मीन्स देयर इज द फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन द एंजियोस्पर्म्स।